ये देखे ये दिखाना जहाँ पर अभी दरख्त हिला है और नाज़रीन बिल्कुल हवा बिल्कुल नहीं थी, कोई हवा का झोंका नहीं था। और भी ऐसे लगता है जैसे कोई पीछे खड़ा है, बाद में देखते हैं कोई चीज़ नहीं होती। ये क्या हुआ है कि आखिर ये क्या कि आखिर ये क्या वो होदी में गिरा था, वो फोटो हो गया था। ये है जी वो होदी जहाँ पर जो है एक गोरखन की जो है वो जहाँ से मैयत मिली थी। चलें ठीक है, आपने जो मेरी बात सुने, अब हमें आप इस तरह छोड़ के जा रहे, एक मिनट मेरी बात सुने ना। अब एकदम क्या रख दोबारा उस तरह हुआ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं देखो टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान शहरयार ज़ाहिद सजवारा। नाज़रीन हम पहले भी वीडियोस कर चुके हैं कब्रिस्तान में बहुत मरतबा आकर, और कब्रिस्तान में जो मुख्तलिफ़ किस्म की क्या सराइयाँ की जाती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के इंशाफात किए जाते हैं, चाहे वो गोरखन हों या कुछ और लोग हों या मीडिया पर हमने कुछ वीडियोज़ देखी हों, तो हम यहाँ पर पहले भी आ चुके हैं। आज भी हमें यहाँ के एक गोरखन ने बहुत अजीब व गरीब से इंकशाफात किए हैं। वो इंकशाफात जो मैं जानकर यकीनन तौर पे मैं उस पर इतना हैरान हुआ और खौफजदा भी हुआ। आखिर ये जो बातें हैं जो उस गोरखन ने हमें बताई वो हकीकत पर मबनी हैं या सिर्फ वैसे ही जिस तरह पहले बातें होती रही हैं वैसे हैं, ये जानने के लिए आज हम यहाँ पर उसी कब्रिस्तान में आए हैं। तो इनके मुताबिक यहाँ पर कब्रिस्तान में अक्सर ये देखते हैं कि लोग जो है इनको नज़र आता है कि कोई यहाँ से गुजर रहा होता है, और जब ये करीब जाकर देखते हैं तो कोई भी नहीं होता, या इनको चलने की आवाज़ें आती हैं जब ये गौर करते हैं तो वहाँ पर भी कुछ नज़र नहीं आता, और अक्सर ये कहते हैं कि हमें ऐसा महसूस होता है, बल्कि हम देख सकते होते हैं कि कब्र को खोदने की आवाज़ आ रही होती है, जबकि हम जब करीब जाते हैं तो वहाँ पर भी ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। मगर ये यहाँ पर साल साल से रह रहे हैं और दिन रात यहीं पर रहते हैं, तो इनकी बात भी जो इनको जानना भी जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम आज यहाँ पर कब्रिस्तान में आए हैं और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि या ये जो तमाम बातें हैं ये सदाकत पर मबनी हैं या इसी तरह अफवाहें हैं और इसी तरह जो है वो झूठ और सनसनी फैलाने के लिए ये बातें की जाती हैं। हम यहाँ पर अपना वक्त गुजारेंगे और आपकी बात करवाते हैं उसी गोरखन से। तो आइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई का? फैसल। फैसल भाई कब से, कितनी देर से हैं आप यहाँ पर कब्रिस्तान? 8 साल से। 8 साल से जी। तो मेरे भाई मुझे बताएं कि आपने यहाँ पर क्या चीज़ें देखी हैं जो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ साया कोई इस तरह की चीज़ें होती हैं, पहले तो वो बताएं क्या आपने महसूस क्या किया है, क्या आपने देखा? वही चीज़ें हैं इधर, तो और इधर आवाज़ आती है कब्रों खोदने की, और भी है कब्रें खोदने की आवाज़ आती है जी, आती है। आप तो इधर ही रहते हैं, तो आप जब पास जाते हैं तो उधर कुछ भी नहीं होता। आपको लगता है आपका वहम होगा क्योंकि आप कब्रिस्तान में रहते हैं, इस वजह से आपको वहम हो शायद? नहीं, वहम नहीं है, हकीकत है। हकीकत में ऐसा है? हकीकत में। आपको क्यों ऐसा लगता है हकीकत में? आपके और भी साथी जो हैं वो यही बात करते हैं? वो करते हैं बात यही, इधर भी पीछे भी है वही चीज़ें और भी है। आप लोगों को डर नहीं लगता? हमारी मजबूरी है, हम काम करते हैं, और भी ऐसे लगता है जैसे कोई पीछे खड़ा है, बाद में देखते हैं कोई चीज़ नहीं होती। आप लोग कुछ करते हैं आगे से, क्या करते हैं, आपका क्या रिस्पॉन्स आगे से? कुछ भी नहीं हम करते हैं, हम चले जाते हैं, काम छोड़ देते हैं, सुबह कर लेते हैं। यानी आपको भी खौफ आता है? खौफ आता है। तो यहाँ पर कभी किसी को नुकसान भी पहुँचा इस तरह? वो होदी में गिरा था, वो फोटो हो गया था, वो पानी वाली होदी थी, वो पता ही नहीं उसको चला वो कैसे गिरा है, वो फोटो हो गया। वो रात के पैर गिरा था? वो दिने गिरा था, वो इलाका पक्का है उधर, तो वो देखा है बाद में जब वो फोत हो गया था। वो वैसे होती छोटी सी होती है, उसमें आदमी गिरेगा वो मर नहीं सकता, नहीं मर सकता। वो बचेगा, मगर वो जब गिरा है वो बाद में पता लगा जब मर गया वो। चलें फिर उस जगह पे। चलें भाई, मैं आपको दूर से दिखा देता हूँ। ये क्या हुआ है? फरहान ये आवाज़ आई है तुम्हें भी?
कि क्या हुआ इधर? ये अभी आपको इशारा मिला है। अल्लाह खैर करे, इधर दिखाना जरा फरहान, कुछ चीज है यहाँ पर। एक मिनट, कोई है इधर? फरहान आपको महसूस हुआ है कि क्या हुआ? कैमरे में कोई, अब मुझे समझ नहीं लग रही कि ये चीज आपको आवाज, शायद पता नहीं वीडियो में आपको महसूस हुई है या नहीं हुई, लेकिन एकदम यहाँ से कोई चीज गुजरी है या आवाज आई है एकदम। और फरहान आप ठीक हो? हाँ चले, अल्लाह खैर करे जी, आप भी दुरूशी पढ़ लें। खैर, हमने हमारे यहाँ पर आने का मकसद भी यही था, आप वहाँ चले हमें वो भी दिखाएं जरा। कितनी दूर है वो? सामने है। ये है, ये है जी वो होदी, जहाँ पर जो है ये गोरखन की जो है वो जहाँ से मैयत मिली थी, और ये बिल्कुल छोटी सी है, लेकिन बार बार ये गोरखन जो भाई हमारे दूसरे हैं ये इसरार यही कर रहे हैं कि आप इसकी तरफ मत जाएं, ये बड़ा ख़तरनाक इलाका है। इस वक्त मेरी खुद की कैफियत जो है वो यकीन माने कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि एक डर सा मुझे भी लग गया है, और मेरे साथ जो मौजूद है जो यहाँ पर होते हैं जो साला साल से यहाँ पर हैं, जब वो डर रहे हैं ये खुद कांप रहे हैं, तो फिर हमारा तो ये हाल होना है। ये यहाँ पर क्या हो रहा है मुझे भी खैर समझ नहीं आ रही, और मैं यही समझने के लिए मैं और मेरी टीम यहाँ पर अभी हम आए हैं कि आखिर ये क्या, कि आखिर ये क्या। चले आइए भाई, आपको मैंने बताया, चले हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो। फरहान ये क्या यहाँ पर था अभी? ये क्या अभी? अभी वो शाड़ा ही आपको दो मरतबा मिल गया है, चले। ये पीछे दिखाइएगा जरा फरहान, ये लाइट इधर लगाना है यार, मुझे लग रहा है यहाँ पर कोई जान के शायद हमें नहीं डरा रहा। ये देखिएगा फरहान जी, क्या था यार हैं? इधर दोबारा करना जरा, मुझे देखने दो। यहाँ पर किस जगह पर था? आवाज किस जगह से आई है? इस जगह से। भाई आपने ये महसूस किया है पहले भी? बड़ी मरतबा भाई। तो यार यहाँ पर ये सब कुछ जो होता है जी, आपने देखा है, महसूस भी किया है, अभी हमें भी महसूस हो रही है ऐसी चीजें, आपने किसी को बताया नहीं है? हम जिसको बताते हैं वो कहते हैं कब्रिस्तान है, ये देखिए। ये दिखाना, ये अभी दरख्त इस तरह है ना फरहान, तुमने फुटेज बनाई है दरख्त की? यहाँ पर अभी दरख्त हिला है, और नाज़रीन बिल्कुल हवा बिल्कुल नहीं थी, कोई हवा का झोंका नहीं था, ये इसी तरह हिला है, ऐसे ही है। अभी तो चलती हैं, आ रही है। फरहान आप दिखा रहे हो कैमरा, इस तरफ करो, ये बिल्कुल, ओ अल्लाह, ये आप देख सकते हैं कि ये बाकी दरख्त किस तरह, क्योंकि बिल्कुल भी हवा नहीं है, गर्मी का मौसम है, एकदम यहाँ से हमारे बिल्कुल करीबी जो दरख्त है उसके हिले की आवाज़ ना सिर्फ आई है बल्कि हिला है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है और अच्छा खासा महसूस किया है इसकी मूवमेंट को। फरहान ये कैमरे में कैप्चर हुई है ये मूवमेंट? आप हौसला रखें फरहान, आप दुरूशरी पढ़ें बस, अल्लाह खैर करें, हम बस यहाँ से निकलते हैं। मुझे बताएं कोई पढ़ाई वगैरह आप नहीं करवाते, कोई तो इसका हल निकालें? वो कोई भी नहीं करता, वो कहते हैं कब्रिस्तान है इधर, वो तो ऐसी चीज़ें होती हैं, और कोई भी नहीं आता। चलें ठीक है, आपने जो मेरी बात सुने, अब हमें आप इस तरह छोड़ के जा रहे, एक मिनट मेरी बात सुने ना, अब एकदम क्या रख दोबारा उस तरह हुआ? यार फरहान एक मिनट इधर लाइट मार मेरे भाई। नाज़रीन हम वो गोरखन भी यहाँ से चला गया है, और मैं मेरा कैमरा मैन यहाँ पर मौजूद है, तो यहाँ से वो भी चले गए हैं। ये चीज़ें बेसिकली हमने आपको दिखानी थी, मगर इस वक्त हम खुद ऐसी कैफियत में मुबतला हो गए हैं कि मुझे और मेरी जो कैमरा मैन साहब है हमें भी यहाँ पर सेफ महसूस नहीं हो रहा। मुसलसल ये फिर यहाँ से आवाज़ आई है,
ये फिर यहाँ से आवाज़ आई है, फरहान आप इसी तरह ये आप निकल आए, हम चलते हैं यहाँ से, यहाँ से निकलें, क्योंकि ये इलाका बहुत इस टाइम हमारे लिए हम अच्छा महसूस नहीं कर रहे, अजीब सी कैफियत तारी हो रही है हम पर, और हमारे साथ भी यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। खैर ये जो तमाम ये चीज़ें हुई हैं शायद आपने महसूस की हैं या नहीं की, मगर हमारा दिखाने का मकसद था और मुझे यकीनन यही लगता था कि ये सब बातें जो हैं वो अफवाहें हैं। मैं यहाँ पर पहले भी वीडियोस, क्योंकि आपके सामने हैं वीडियोस मेरी, मैं कर चुका हूँ कि ये सब ड्रामेबाजी होती है, कुछ लोग सनसनी फैलाने के लिए सब कुछ करते हैं, मगर आज अल्लाह जानता है खैर यहाँ पर क्या हुआ है, लेकिन चीज़ें हमें मुसलसल जो है ये फिर यहाँ पर कुछ चीज़ हुई है। यार फरहान आप उधर ना जाएं, आप वापस आ जाएं बस, अल्लाह खैर करे। फरहान आप आ जाएं, हम यहाँ से निकलते हैं। हम यहाँ से निकलते हैं फरहान, आप भी अपना ख्याल रखें। खैर जो चीज़ें हुई हैं हम नहीं जानते कि आप वो महसूस कर सकते हैं या नहीं, खैर हमने जो महसूस किया आप तक पहुंचाने की वो कोशिश की है, और यहाँ पर क्या हो रहा है वो मैं यकीनन आपको अल्फाज में बयान नहीं कर सकता, मेरे यकीन माने रोंगटे खड़े हो गए हैं और इस वक्त मुझसे बात भी नहीं हो रही। तो किसी दिन के वक्त हम यहाँ पर आके जो है वो बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो गोरखन थे जिनसे हम बात करना चाहते हैं वो भी यहाँ से चले गए हैं, तो मेरा ख्याल है कि हमें भी यहाँ से जाना चाहिए। आप सब अपना ख्याल रखिए और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। आ जाए फरहान।